हाँ जी बच्चों, वेरी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। मेरी आवाज क्लियर भी आ रही है आप लोगों को? यस सर। ठीक है। हम लोग लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे? हम लोगों ने मेरे ख्याल में सेक्शन 50 हम लोग कर रहे थे ना, क्या यस कर सर। ऑन सेल ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट्स। ये कर रहे थे हम। अब इसके अंदर हमने कैपिटल गेन तो कर लिया था, कैपिटल लॉस नहीं किया था। अब आप कैपिटल लॉस के लिए लिखिएगा कि इफ सेल्स कंसीडरेशन, इफ सेल्स कंसीडरेशन ऑफ ऑल द एसेट्स इन ब्लॉक, ब्लॉक ऑफ एसेट का मतलब मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको, इज लेस देन WDV assets in block, therefore then it's the case of capital loss। यानी कि मान लो मेरे पास डब्ल्यू डी बी ऑफ ब्लॉक है 5 लाख रुपए और मेरी सेल्स कंसीडरेशन है 3 लाख रुपए, तो मेरा कैपिटल लॉस है 2 लाख रुपए। ये बात समझ में आई? यस सर। जैसे कैपिटल गेन था वैसे कैपिटल लॉस। ओके अच्छा जी, अब सुनो, पावर जनरेशन कंपनी के लिए बता रहा हूं, ये नोट कर लिया आपको। यस सर। कैपिटल गेन इन केस ऑफ पावर जेनरेशन कंपनी। पहले तो हाँ, ये है सेक्शन 50A। पहले तो पावर जेनरेशन कंपनी जो होती है ना, उसका मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन जो होता है वो होता है सर स्ट्रेट लाइन मेथड, SLM होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इस वजह से होता है कि देखिए, आप लोगों ने एक नॉर्मल पावर जनरेशन कंपनी के अलावा कोई एसेट कोई कंपनी खोल रखी है तो आपके जो एसेट्स हैं वो लंबे समय तक चलती है। लेकिन पावर जनरेशन कंपनी जो होती है ना, उसके जो एसेट्स होते हैं, उसके क्या एसेट होते हैं, उसके मेन्स होते हैं जिससे कि वो पावर सप्लाई करते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी किसी भी चीज को पल में ही खराब कर सकती है अगर हैवी लोड आ जाए तो। इनके ऊपर ना रिस्क होता है कि ज्यादा डेप्रिसिएशन लगाना है और फटाफट से अपने एसेट्स को राइट ऑफ करना है। अब आप लोग तो ये चीज बहुत अच्छे से जानते हैं कि WDV में ज्यादा डेप्रिसिएशन आता है या स्ट्रेट लाइन में ज्यादा आता है? बोलो सर। जल्दी से चीज डेप्रिशिएट हो जाती है,
तो इसलिए पावर जनरेशन कंपनी को हम क्या कहते हैं कि आप अपना स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज करो, ठीक है सर। अच्छे, अब यहाँ पे तीन कंडीशंस हैं। कंडीशन नंबर वन क्या है कि सेल्स कंसीडरेशन जो है वो ज्यादा है, वो कम है WDV से, ठीक है। यहाँ पे भी ब्लॉक ऑफ एसेट होगा और ब्लॉक ऑफ एसेट के अंदर WDV ऑफ ब्लॉक जो है उसको बेचा जा रहा है और WDV ऑफ ब्लॉक जो है वो ज्यादा है किससे, सेल्स कंसीडरेशन से। बताओ क्या होना चाहिए सर? सर ये लॉस, कैपिटल लॉस होना चाहिए। अभी अभी मैंने बताया आप लोगों को, सॉरी लॉस, अगेन देखते हैं, कैपिटल लॉस का केस है, ठीक है सर। अब हम क्या बोलते हैं कि ये जो है इसको हम एक नाम दे देते हैं, क्या, टर्मिनल डेप्रिसिएशन, ठीक है जी, इसको हम नाम दे देते हैं। और ये चार्जेबल होता है अंडर PGBP, यानी कि ये बिजनेस लॉस की तरह से देखा जाता है, कैपिटल लॉस की तरह से भी देखा जाता है। मतलब हमने जो भी बोला कैपिटल लॉस, वो यहाँ कैपिटल लॉस नहीं होगा, वो क्या होगा कि बिजनेस लॉस पावर जनरेशन कंपनी के केस ये उसका ब्लॉक ऑफ एसेट जितना भी था उसको हमने क्या नाम है उससे जो है सेल्स कंसीडरेशन उससे कम था, तो यहाँ पे क्या है ये बिजनेस लॉस हो, ठीक है जी। अच्छा, केस नंबर टू तो कहता है कि सेल्स कंसीडरेशन इज ग्रेटर देन WDV ऑफ ब्लॉक, ठीक है जी, बट लेस देन ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ठीक है जी। बात समझ में आई कि सेल्स कंसीडरेशन कितनी थी? सेल्स कंसीडरेशन इससे ज्यादा थी, सेल्स कंसीडरेशन WDV ऑफ ब्लॉक से ज्यादा थी, मतलब मान लो ये 70 लाख, और 70 लाख ज्यादा थे किससे, 50 लाख, लेकिन वो कम थी किससे, किससे कम थी, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, यानी कि ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना था सर, 90 लाख, मान लो ये केस बनाया, ठीक है। तो इस सिचुएशन को हम क्या कहेंगे सर, इस सिचुएशन को कहेंगे हम प्रॉफिट। ये सिचुएशन क्या है सर, ये सिचुएशन प्रॉफिट की है, और प्रॉफिट कितना होगा, सेल्स कंसीडरेशन माइनस रिटेन डाउन वैल्यू ऑफ ब्लॉक, ठीक है जी। और इसको हम कहां चार्ज करेंगे, चार्जेबल अंडर PGBP, यानी कि ये बिजनेस इनकम, ठीक है जी, ये बिजनेस इनकम है। केस नंबर थ्री ध्यान से देखिए, ठीक है, कि सेल्स कंसीडरेशन इज ग्रेटर देन ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो ये क्या है सर, ये भी प्रॉफिट है, लेकिन इस प्रॉफिट का कुछ पार्ट हम क्या करेंगे, ध्यान देना, कैपिटल गेन में लेंगे और कुछ पार्ट कहां पे लेंगे, बिजनेस एंड प्रोफेशन में लेंगे, कैपिटल गेन में लेंगे और कुछ पोर्शन
बिजनेस इनकम की तरफ से देखेंगे, ठीक है जी। और कैपिटल गेन में क्या आएगा, सेल्स कंसीडरेशन माइनस ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। और बिजनेस इनकम के अंदर क्या आएगा, सेल्स कंसीडरेशन माइनस WDV, ठीक है जी। ओके यस सर। जैसे हमने उसमें किया था कन्वर्जन ऑफ स्टॉक इन ट्रेड में, तो ये तीन सिचुएशन है हमारे पास में पावर जनरेशन कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको मैं हटा ही देता हूं, आप काफी कंफ्यूजन है। नोट कर लो बच्चों, सर ये जो थर्ड केस है, हाँ जी सर, ये जो थर्ड केस है इसमें प्रॉफिट का थोड़ा सा पार्ट दो बार नहीं हो रहा, मतलब दोनों जगह अकाउंट नहीं हो रहा? हाँ दोनों जगह अकाउंट हो रहा है ना। तो ये सही है, मतलब प्रॉफिट दो जगह अकाउंट होगा तो डबल हो गया ना प्रॉफिट। हाँ, हो गया उसका प्रॉफिट जितना भी हुआ है ना भाई। मान लो हम ये कहते हैं कि हमारी WDV जो थी, देखो मैं समझाता हूं तुम्हारे, हमने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में हमने इसको 70 लाख रुपए का खरीदा था, ठीक है जी। ओके 70 लाख का खरीदा मैंने, और मैंने इसको चलो मैं इसको 70 नहीं, मैं इसको 10 लाख कर रहा हूँ। ध्यान से समझो, ये 10 लाख रुपए का मैंने खरीदा और मैंने ये सोचा था कि ये 10 साल तक चलेगा, लेकिन 7 सालों तक मैंने इसको यूज किया और 7 लाख रुपए मैंने राइट ऑफ कर दिए, है ना। तो मेरी WDV कितनी बची, मेरी WDV बची सर 3 लाख। अब अगर ये 3 लाख में बिक जाता है, 3 से आगे 6 तक बिक जाता है, तो ये मेरे पास में बिजनेस इनकम होगा, यानी कि डबल वैल्यू का, और उसके भी आगे चला जाता है तो वो कैपिटल गेन होगा, ठीक है जी। यानी कि मैंने इसको एक्वायर किया था कितने में, 10 लाख रुपए में। अब सोचो अगर कुछ 10 लाख तक आएगा तो वो कितना होगा, वो मेरी बिजनेस इनकम होगा। और अगर 10 लाख के भी आगे चला गया, ये मान लो 20 लाख में बिक गया, यानी कि एक्सेसिव गेन हो गए हमें, तो उस केस में ये हमारा कैपिटल गेन में चला जाएगा, यानी कि अब हमने बिजनेस एंड प्रोफेशन से भी आगे की इनकम अर्न कर ली है। बात समझ में आई? ओके सर। ये होता है सर। अच्छा ये नोट कर लिया आप लोगों ने? यस सर। बाकी बच्चे जो बोलने के लिए मैं मानूं कि उन्होंने भी नोट कर लिया होगा। स्क्रीनशॉट लेने की सोचना मत, क्योंकि भैया बाद में ये स्क्रीनशॉट ही बने रह जाते हैं फोन के। अच्छा एक है सर सेक्शन हमारे पास में, सेक्शन 50B। सेक्शन 50B क्या है, कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ स्लम सेल। यानी लमसम, स्लम सेल का मतलब लमसम अमाउंट। जैसे मान लो जी ABC कंपनी है, उसके पास में अलग अलग तरीके के कुछ एसेट्स होंगे, ये एसेट्स XYZ कंपनी ने विद लाइबिलिटीज, एसेट्स प्लस लाइबिलिटीज सारी की सारी टेक ओवर कर दी,
और उनको परचेज कंसीडरेशन दे दी सर 70 लाख, एक लमसम अमाउंट दे दिया, इसी को हम कहते हैं क्या, स्लम सेल। सिचुएशन समझ में आई? स्लम सेल का मतलब क्या है, लमसम अमाउंट में किसी ऑर्गेनाइजेशन को बेच देना अपनी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है जी, यानी कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन हमने किसी और को एक लमसम अमाउंट पे बेच दी, ठीक है जी, ओके, मीनिंग समझ में आ गया? यस सर। अब देखो इस केस में हम क्या करेंगे, सेल्स कंसीडरेशन क्या होगी इस केस में, रूल्स क्या कहते हैं, रूल्स ये कहते हैं कि सर सेल्स कंसीडरेशन होगी वो वैल्यू जिसपे कि सेल किया गया है, यानी कि जिसको हम परचेज कंसीडरेशन भी कहते हैं अकाउंट्स की लैंग्वेज, माइनस करेंगे हम रियलाइजेबल एक्सपेंडिचर, अगर बेचने में कुछ खर्चे किए गए हैं तो वो दे दिए जाएंगे, नेट कंसीडरेशन हमारे पास में आ जाएगा। अब इसमें से हमें ना माइनस करना है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और माइनस करना है कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। तो हम ये कहते हैं कि सर ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट जो है इसको हम एक नाम देते हैं, नेट वर्थ, नेट वर्थ डिडक्ट हो जाएगी और आ जाएगा हमारा कैपिटल गेन। ये बात ज्यादा समझ में आई? यस सर। अब सर ये नेट वर्थ क्या होती है, नेट वर्थ का मतलब क्या होता है सर? नेट वर्थ का मतलब होता है एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज, ठीक है सर। फिर सर ने एसेट्स के ऊपर भी एक एस्ट्रिक लगा दिया कि सर एसेट्स का भी कुछ मतलब होता है। हाँ जी, एसेट्स का भी कुछ मतलब होता है। क्या मतलब होता है सर, वो भी बताओ। बता रहा हूं, देखो जी सर, एसेट्स का मतलब है तीन तरह के एसेट्स, तीन तरह के एसेट्स, ठीक है जी। एक तो डेप्रिशिएबल एसेट्स, ठीक है, एक सेक्शन 35AD के अंदर आने वाले एसेट्स, ये कौन से होते हैं हम बिजनेस एंड प्रोफेशन में देखेंगे, सेक्शन 35A के अंदर आने वाले, और तीसरा है जी अदर्स, ठीक है, तीन तरह के एसेट्स होते हैं। और सर इनकी वैल्यू क्या ली जाती है, डेप्रिशिएबल एसेट्स की वैल्यू ली जाती है WDV, काउंट करते समय नेटवर्थ एसेट्स में डेप्रिशिएबल एसेट्स की वैल्यू ली जाती है WDV। सेक्शन 35AD में आने वाले एसेट्स की वैल्यू ली जाती है मिल। लो जी, इसका मतलब सर हमारा तो काम ही आसान हो गया, हम तो काम का भी डर रहे थे कि सेक्शन 35AD में पता नहीं क्या लिखा होगा, यानी कि आपके पास में अगर क्वेश्चन है और उसमें लिखा हुआ है सेक्शन 35AD के अंदर आने वाला एक एसेट भी आपने ट्रांसफर किया है तो आप उसकी वैल्यू क्या मानेंगे सर, मिल मानेंगे एसेट्स में उसकी वैल्यू, और अदर्स की वैल्यू क्या मानेंगे सर, एसेट्स अदर्स की वैल्यू मानेंगे सर बुक वैल्यू। यानी कि ये कौन से एसेट्स होंगे सर, सर अदर देन डेप्रिशिएबल एसेट्स और अदर देन सेक्शन 35AD के एसेट्स, ऐसे कौन से एसेट्स होते हैं सर? सिंपल सी बात है सर, लैंड हो सकती है क्योंकि वो
एप्रिशिएबल होती है, डेप्रिशिएबल नहीं होती। बात समझ में आई? यस सर। तो रूल्स पढ़ा दिए मैंने तुम्हारे को, ठीक है सर। ये तो समझ में आ गया कि हमारे पास में इनको इस तरीके से हमने लेना है। अब आउटसाइड लायबिलिटी का मतलब आप लोगों को मालूम है, कैपिटल या कैपिटल एम्प्लॉयड को छोड़कर के सारी की सारी चीजें, जैसे क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल। अगर क्वेश्चन में कुछ ही नहीं लिखा हुआ आउटसाइड लायबिलिटी के रिलेटेड, तो हम इसको फुल वैल्यू में कंसीडर करेंगे। बात समझ में आई? फुल yes, ठीक। यहाँ पे मैं दो एस्ट्रिक के साइन लगा देता हूँ और ऊपर भी मैं दो एस्ट्रिक के साइन लगा देता हूँ, ताकि कनेक्टर सही बन सके, ठीक है। आप इस चीज को अच्छे से नोट करो पहले, फिर क्वेश्चन करेंगे। अदर्स में हमेशा बुक वैल्यू पे लेंगे, एफएमवी दिया वो उस पे भी ले सकते हैं। बेटा तेरी बात समझ नहीं आई मुझे। अदर्स में जो एसेट है उसकी हमेशा बुक वैल्यू ले। हाँ जी हाँ जी। ओके सर। दिमाग में क्या चल रहा है? लैंड के नाम से तेरे दिमाग में स्टैंप ड्यूटी आ गई होगी ना? यस सर। हाँ मेरे को पता है, इसका हमेशा बुक वैल्यू ही लेंगे इस केस में, सही के केस में। ओके सर। देखो अगर आपके पास में बुक्स है तो बुक का क्वेश्चन नंबर 24 है। आप लोगों के पास में किताब, मेरी वाली किताब, क्वेश्चन नंबर 24 है, पेज नंबर 140 के। देखो जी, हम ये कहते हैं, इसका मोटा मोटा मैं देख लेता हूँ क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि स्लंप सेल की परचेज कंसीडरेशन, स्लंप सेल वैल्यू, स्लंप सेल की वैल्यू क्या है सर? स्लंप सेल की वैल्यू है 3 करोड़, ठीक है सर। अच्छा, और इसकी ब्रोकरेज लगी है सर 5% बेचने में, ठीक है सर। और क्वेश्चन के अंदर ना कुछ एसेट्स दिए हुए हैं, लैंड दिया हुआ है, बिल्डिंग दी हुई है, दिया हुआ है फर्नीचर, और दिया हुआ है स्टॉक, और दिया हुआ है डेटर्स, और दिए हुए हैं क्रेडिटर्स, ये दिए हुए, ठीक है। अच्छा जी सर, इन सब के ना बुक वैल्यू दी हुई है, एक सेकेंड क्या है, हाँ जी बुक वैल्यू दी हुई है, बुक वैल्यू, ठीक है, और दी हुई है फेयर मार्केट वैल्यू, ठीक। अच्छा, लैंड की बुक वैल्यू दी हुई है सर 50 लाख, और बोला हुआ इसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है सर 70 लाख, ठीक है जी। हाँ, और फेयर मार्केट वैल्यू है इसकी 1 करोड़ लैंड के बारे में,
बिल्डिंग की दी हुई है 30 लाख और इसकी WDV है सर 60 लाख और फेयर मार्केट वैल्यू है 1 करोड़, ठीक है जी। और फर्नीचर के बारे में दिया हुआ है सर 50 लाख और इसकी WDV दी हुई है 90 लाख और साथ में लिखा हुआ है एज पर इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है जी, ये बोला गया। और इसकी फेयर मार्केट वैल्यू है 75 लाख। अच्छा सर, स्टॉक के बारे में चलते हैं। स्टॉक के बारे में बोला गया 30 लाख का है ये। डेटर के बारे में बोला गया सर ये 40 लाख के हैं और क्रेडिटर्स के बारे में बोला गया ये 50 लाख के हैं, ठीक है जी। और स्टॉक 35 लाख की बुक वैल्यू के साथ में और डेटर्स जो है वो 40 लाख की बुक वैल्यू के साथ में फेयर मार्केट वैल्यू के साथ में सर, ठीक है जी, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब सर क्रेडिटर की क्यों नहीं दी हुई, क्रेडिटर के बारे में रूल क्या कहते हैं कि अगर कुछ नहीं दिया हुआ तो उसकी रियलाइजेबल वैल्यू इसकी फुल वैल्यू में लोग, ठीक है। एक बार इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, टेक योर टाइम। हमें पहले तो कंप्यूटेशन ऑफ नेटवर्थ करनी है, ठीक है, नेटवर्थ निकालनी। सर लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, इनकी वैल्यूज बताओ मुझे। लैंड की हो जाएगी कितनी? 50 लाख। 50 लाख क्योंकि आपने बोला था सर बुक वैल्यू लेनी है। और बिल्डिंग डेप्रिशिएबल है, फर्नीचर डेप्रिशिएबल है, इसमें क्या लेंगे इसकी WDV लेते हैं ना? यस सर। नहीं, WDV था 60 लाख, 90 लाख और स्टॉक की कितनी? 30 लाख और डेटर की 40 लाख, ठीक है ना। टोटल एसेट्स कितने के हो गए बच्चों बताओ? 2,70,000। 2,70,000 2,70,00,000 बोल दो। हाँ सर, 2,70,00,000। ठीक है, 2,70,00,000 सर। क्रेडिटर्स कितने पे ले लो? 50 लाख के। क्रेडिटर फुल वैल्यू पे लेने पड़ेंगे तो सर मेरी नेटवर्थ कितने की आ गई? 2,20,00,000 सर। 270 माइनस 50, 2,20,00,000, 2,20,00,000 ये आ गई। अब हमने सर कैपिटल गेन निकाला, 3 करोड़ का है ना हमारे पास, तो हम करते कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन, सेल्स कंसीडरेशन सर 3 करोड़ माइनस रियलाइजेबल एक्सपेंडिचर, बताना जी कितने हैं? 15 लाख आएगा। 15 लाख यस सर। ठीक है,
नेट कंसीडरेशन कितना आ गया? 2 करोड़ 85 लाख। 2 करोड़ 85 लाख। और माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को हम क्या कहते हैं सर? इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसको माइनस में लिखो सर, नेट वर्थ। Yes, sir. क्या बोलता है सर? ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज हेल्ड इन डीमैट अकाउंट या डीमैट फॉर्म। इसका मतलब क्या होता है सर? हमारे पास में शेयर्स होते हैं, शेयर्स को होल्ड करने वाले अकाउंट को हम क्या कहते हैं? डीमैट अकाउंट कहते हैं। और हमने डीमैट अकाउंट से कुछ शेयर्स को बेचा तो हम सबसे पहला रूल क्या कहता है कि हम फीफो सिस्टम काउंट करेंगे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। देखो ध्यान से समझना, मान लो मैंने 1/4/2020 में ये डेट का कॉलम, ये नंबर ऑफ शेयर्स का कॉलम, ये डेट ऑफ कन्वर्जन का कॉलम इंटू डीमैट फॉर्म और ये कॉलम परचेज फॉर्म। किस फॉर्म में हमने परचेज किया? तो 1/4/2020 को मैंने 5,000 शेयर्स परचेज किए, जिसको कि मैंने कन्वर्ट करा लिया डीमैट फॉर्म में कब? 1 जुलाई 2020 को। और इसको मैंने परचेज किस फॉर्म में किया था? फिजिकल फॉर्म। ठीक है जी। फिर मैंने 5/4/2020 को ही डीमैट फॉर्म में 1,000 शेयर्स परचेज किए। अब इसके अंदर डेट ऑफ कन्वर्जन तो लिखो भाई, क्योंकि इसको तो परचेज ही किसमें किया है? डीमैट अकाउंट में, डीमैट फॉर्म में परचेज किया मैंने। बात समझ में आई? पहले ये बात बताओ मैं, yes, और फिजिकल फॉर्म क्या होता है? फिजिकल फॉर्म का मतलब होता है सर, मैं जाकर के कंपनी से शेयर वॉलेट लेकर के आ रहा हूँ, अपना शेयर सर्टिफिकेट लेकर के आ रहा हूँ,
ठीक है जी। और मेरे हाथ में फिजिकल फॉर्म में शेयर्स हैं, आजकल नहीं चलता है ऐसा, आजकल आप सारी ट्रेडिंग ऑनलाइन ही करते हैं, है ना। तो उसको कहते हैं, उसको होल्ड करने वाले अकाउंट को कहते हैं डीमैट अकाउंट। यह समझाने के लिए मैंने क्या कहा, मैंने कहा 1/4/2020 को मैंने 5000 शेयर परचेज किए, जिसको कि मैंने डीमैट फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया था 1 जुलाई को, इसको मैंने परचेज किया था फिजिकल फॉर्म में, ठीक है जी। ऐसे 5/4/2020 को मैंने 1000 शेयर्स ही परचेज किए थे, इसमें फिजिकल फॉर्म में, फिजिकल फॉर्म सॉरी डीमैट फॉर्म में, तो इसके कन्वर्जन का तो मतलब ही नहीं है, ठीक है ना जी। बात समझ में आ रही है मेरी? हाँ बोलो। यस सर, यस सर, ठीक है जी। अब 7 जून 2020 को मैंने 500 शेयर्स और खरीद लिए जी फिजिकल फॉर्म में, और जिसको कि मैंने कन्वर्ट कराया कब, 8 जून 2020 को, यानी कि अगले दिन। ऐसे ही मैंने 10 सितंबर 2020 को 2000 शेयर्स और खरीद लिए डीमैट फॉर्म में, कितने के, और डीमैट फॉर्म में तो कन्वर्ट कराने का मतलब ही नहीं। अच्छा, मैंने इसका परचेज अमाउंट भी लिखना है साथ में, परचेज अमाउंट एट द रेट 10, एट द रेट 12, एट द रेट 9, एट द रेट 50, ठीक है जी। अच्छा सर, 5, 6, 7, 8, 8500 है हमारे पास। मिस्टर एक्स सोल्ड, मिस्टर एक्स सोल्ड सारे के सारे शेयर डीमैट में आ गए, हाँ, 12 सितंबर 2020 को मैंने 1000 शेयर्स और परचेज किए, जिसको कि मैंने कन्वर्ट नहीं कराया, इसको मैंने फिजिकल फॉर्म में ही खरीदा था एट द रेट 30 ईच, सबके आगे ईच लगा लो। अब जरा चेक करना कि उसके पास डीमैट फॉर्म में कितने पड़े हैं, बताना मेरे को, और फिजिकल फॉर्म में कितने पड़े। डीमैट में 7.5, साढ़े तो 1000 पड़े हैं, और डीमैट में शायद 8500 है ना, सही है ना। हाँ, मेरे को पता था कि थोड़ा सा शक हो रहा था अपनी ही बात पे। अच्छा, अब आगे की कहानी। मिस्टर एक्स सोल्ड 7000 शेयर्स इन डीमैट फॉर्म and 700 shares in physical form, ठीक है सर, क्वेश्चन आपके सामने ही है। चलो ये रहा क्वेश्चन। अब सर हमारे को है ना रूल, पता क्या कहता है रूल, कहता है सर हमें ना फीफो सिस्टम फॉलो करना है, ठीक है, फीफो सिस्टम फॉलो करना है। और इसमें लिख देता हूं एट द रेट 100 ईच एंड 70 ईच रिस्पेक्टिवली, ठीक है, 100 और 70। अच्छा जी, ठीक है सर, मेरे को निकालनी है दोनों ही, पहले तो मेरे को निकालना है डीमैट फॉर्म वाले और निकालने फिजिकल फॉर्म वाले,
मैंने लिख दिया सर सेल्स कंसीडरेशन, और सर मेरा सेल्स कंसीडरेशन कितना है? मेरा सेल्स कंसीडरेशन है डीमैट वालों के लिए 100, तो 100 मल्टीप्लाइड बाय कितने बेचे? 7000, कितना हो गया ये? 7 लाख, है ना? माइनस रियलाइजेबल एक्सपेंडिचर, कुछ है नहीं तो हम बिल ले लेंगे, नेट कंसीडरेशन आ जाएगा सर 7 लाख, माइनस करेंगे सर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जिसके अंदर हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी थोड़ी सी। फीफो सिस्टम, हाँ जी, फीफो सिस्टम के हिसाब से हमारे सबसे पहले शेयर्स कौन से थे? डेट वाइज बताना जो डीमैट फॉर्म में थे। 5000 वाले। देखो एक चार को जो खरीदे है ना, हमने उसको कन्वर्ट 1 जुलाई को किया है, लेकिन 5-4 को खरीदे हुए वो डीमैट फॉर्म में खरीदे 12 वाले। तो 5-4 वाले पहला है, 5-4 2020, 5-4 2020 को 1000 शेयर्स हमने 12 ईच के खरीदे हैं, ठीक है सर। फिर 7-6, और इसको मैंने कन्वर्ट करा लिया 8-6 में। अब चेक करो 8-6 मेरी लेटेस्ट डेट है, इससे पहले कोई डेट नहीं है, तो मैं कहता हूं जी 8-6 को 8-6 वाले 500 शेयर्स जो मैंने खरीदे थे कितने में? 9 ईच में, ये मेरे पास सेकंड कैटेगरी में। थर्ड कैटेगरी में सर देखो, ये 1 जुलाई की लेटेस्ट डेट आ गई है मेरे पास में, है ना, 1 जुलाई 2020, 5000 शेयर्स मैंने परचेज किए थे, लेकिन 5000 की तो जरूरत नहीं है ना, फिर वो कितना हो गया, 5000 की है क्या? है सर अभी। हाँ 5000 की जरूरत है, हाँ है, बिल्कुल है, एट द रेट 10 ईच, ठीक है, कितने हुए? 6-6.5 हो गए। अब फोर्थ मेरे को चाहिए कोई 500 शेयर्स, एट द रेट, अब 1 जुलाई के बाद वाली डेट बोलो कौन सी है? ये है 10 सितंबर, यही है ना? यस सर। 10 सितंबर को मैंने खरीदे थे कितने? 50 ईच। ये इस तरीके से चलेंगे हम सर फीफो के हिसाब से, और ये हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है। अब ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जरा बताना मेरे को कितना कितना हो गया, चेक कर ले भैया कितना हो गया? 91,500। ऐसे नहीं, मैं भी करूंगा, मेरे को मजा नहीं आता ऐसे, जल्दी जल्दी बता दो। ये पहले 12,000, 12,000, ये हो गया 45,500, ये हो गया 50,000, हाँ 50,000, 50,000 और 25,000, 25,000, यस सर। और टोटल कितना हो गया इसका? 91,500, यस, ठीक है। अच्छा सर ठीक है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी, ये मेरे वर्किंग नोट में पता लग गया है। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट सर मेरे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, क्योंकि 12 महीने के अंदर अंदर ही बेच दिया। अच्छा फिजिकल फॉर्म वाले भी निकाल लेते हैं भाई, सेल्स कंसीडरेशन कितने की थी सर? 70 रुपए थी, 70 × 700 बिके थे ना? यस सर। कितना हो गया ये? 49,000, ठीक है सर। रियलाइजेबल एक्सपेंडिचर
सर अनिल नेट कंसीडरेशन सर 49,000 माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितने में परचेज किए थे हमने 30 रुपए तो 30 रुपए के हिसाब से बता दो कितना हो गया 21,000 याद रखना ये क्वेश्चन तुम्हारी जान ले सकता है अगर इसके अंदर लॉन्ग टर्म क्वेश्चन आ जाए तो फिर तुम्हें अलग अलग करके करना पड़ेगा क्योंकि लॉन्ग टर्म के ऊपर लगता है इंडेक्सेशन फिर तुम्हें नंबर ऑफ शेयर्स अलग अलग करके करने पड़ेंगे तो वो वर्किंग नोट बहुत बड़ा बनेगा और ये तो ये बोल दियो वर्किंग नोट बहुत बड़ा बनेगा फिर बहुत बड़ा बनेगा मैंने जान के इसको एक साल के अंदर ही निपटा दिया Yes, sir, हो गया यस सर ऐसा कुछ मिला तो यस सर हाँ जी क्वेश्चन है आपके सामने कंप्यूट टैक्सेबल कैपिटल गेन डेट ऑफ परचेज क्या थी गोल्ड का सबसे पहला तो एसेट डेट ऑफ परचेज क्या थी 1/7/1990 ये 1990 को देख करके तुम्हारे दिमाग में क्या आता है क्या होना चाहिए यहाँ पे बोलो सर जवाब दो सर इंडेक्सेशन इंडेक्सेशन तो दुनिया जानती है लेकिन इसमें नहीं तो 2001 का फेयर मार्केट वैल्यू होना चाहिए मार्केट वैल्यू लगेगा बिल्कुल सही कॉस्ट प्राइस था 4 लाख और फेयर मार्केट वैल्यू था सर 30 लाख तो किसको लेंगे हम इसको रिजेक्ट करो और 30 लाख को सेलेक्ट करो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट था 1 लाख और ईयर ऑफ इंप्रूवमेंट था 1999-2000 बोलो क्या करूं नहीं कंसीडर करेंगे इग्नोर करो सर 2001-2 से पहले के कोई भी इंप्रूवमेंट को हम इंप्रूवमेंट नहीं मानते क्योंकि उसका वैल्यू फेयर मार्केट वैल्यू के अंदर इंक्लूडेड होता है डेट ऑफ सेल 1/8/2020 वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन 95 लाख हां जी इस पूरे क्वेश्चन के अंदर किसी भाई या बहन को दिक्कत नो सर कंसीडरेशन कितनी हो गई 95 लाख ठीक है सर इंडेक्स वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास में 30 लाख हमने फेयर मार्केट वैल्यू लिया था सीआईआई ऑफ द ईयर इन विच सेल यानी कि ये कौन सा साल है ये 1920 है 1 जनवरी 2020
दिखता है, ध्यान से देख लेना, 19-20 है ये, 19-20 का CII है 289 डिवाइडेड बाय 100 यानी कि 2012 का CII। इम्प्रूवमेंट इसमें है नहीं मतलब जो है वो लेनी नहीं है, नॉट एप्लीकेबल है। तो हमारे पास में गोल्ड का कैपिटल गेन कितना आ गया, 8,30,000 जो कि हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। ठीक है सर। अच्छा अब लैंड की बारी आई, लैंड से दिमाग में क्या आता है जल्दी से बता दो। लैंड देखते ही दिमाग में क्या आता है? एसडीवी। एसडीवी। लेकिन यहाँ पर देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है ना, ये एसडीवी का कॉलम ही नहीं है, मजे आ गए सर, ये है ना मजे आ गए सर। तो देखो इसको भी हमने परचेज किया प्रायर टू 2012 और फेयर मार्केट वैल्यू दिया हुआ है सर 60 लाख का, हम 60 लाख को कंसीडर करेंगे, 6 लाख को इग्नोर करेंगे। अच्छा क्या होता बच्चों के अगर यहाँ पे फेयर मार्केट वैल्यू तो होता 60 लाख और इधर 6 लाख की जगह 70 लाख होता तो क्या करते? बोलो, अगर यहाँ 60 लाख होता और इधर होता 70 लाख तो क्या करते? फेयर मार्केट वैल्यू ही लेंगे ना फिर भी? नहीं, देखो रूल दोबारा देखो, रूल दोबारा देखो भाई प्लीज, ऐसा मत करो अपने साथ और ना ही मेरे साथ। मैंने हमेशा बोला है कि इफ एसेट एक्वायर्ड प्रायर टू 2012, नंबर वन तो ये हो गया, नंबर टू एंड फेयर मार्केट वैल्यू इज गिवन, नंबर थ्री विच इज हायर ग्रेटर देन एक्चुअल परचेज प्राइस, देन cost of acquisition is equal to fair market value as on 2012। भाई जब मैं कहता हूँ कि हाँ asset acquired था prior to 2012, हाँ सर था, fair market value given थी, हाँ सर थी, तो ये तीसरी शर्त भी तो पूरी होनी चाहिए ना greater than वाली। अगर cost of acquisition 70 लाख है, fair market value 60 लाख है, तो क्या लेंगे सर फिर? तो ये रूल वायलेट हो गया ना, फिर तो हम एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को ही अपना कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानेंगे, है ना? बात समझ में आई? यस सर। यस सर। यस सर। अरे ये क्या हुआ, ये तो मैंने तुम्हें समझा दिया और बिना शेयर किए समझा दिया, बताओ मैं आपस में ही खेलता रह गया, ये बनाया था मैंने, मैं अपने आप ही करता रह गया, स्क्रीन शेयर मैंने की, ये बनाया था मैंने, लेकिन मेरे ख्याल में बात तो तुम्हें समझ में आती होगी। यस सर आ गई। चलो खैर कभी कभी हो जाता है ऐसे। अच्छा तो हम क्या कह रहे हैं सर, हम ये कह रहे हैं कि अगर यहाँ 70 लाख होता तो हम 70 लाख ही ले लेते हैं, 70 लाख नहीं है तो छोड़ो इसको, फिर 60 लाख ही है। ठीक है सर। ईयर ऑफ इम्प्रूवमेंट, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट 2 लाख और ईयर ऑफ इम्प्रूवमेंट प्रायर टू 2012 है, इसलिए इम्प्रूवमेंट पूरी नहीं देखेगी। ठीक है जी। और डेट ऑफ सेल्स 1/1/2020 है, 1,90,000 रुपए लिए, मेरा ख्याल है इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला है हमारे पास में रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, 1994 में खरीदी है। ठीक है जी। 8 लाख रुपए इसका एक्चुअल कॉस्ट है और देखो वही वाला केस आ गया ना, फेयर मार्केट वैल्यू 5 लाख है। अब बोलो क्या लोगे? अब इसे इग्नोर करेंगे और इसे सेलेक्ट करेंगे। समझ में आई? यस सर। यस सर। इम्प्रूवमेंट कराया हमने 4 लाख में,
चार लाख में इम्प्रूवमेंट कराया और कराया 2012 के बाद देख लो, तो हम 4 लाख की इम्प्रूवमेंट को इम्प्रूवमेंट मानेंगे, ठीक है। और बेच दिया हमने 5 लाख रुपए में कब, 1 जनवरी 2020। इस पूरे क्वेश्चन में कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। नो सर। नो सर। ओके हाँ जी। मिस्टर एक्स ओज ए प्लॉट ऑफ लैंड एक्वायर्ड ऑन 1/6/2020 2020 में 2002 For rupees 2 lakh, he entered into agreement to sell the property on 15/3/2020 for rupees 20 lakhs. In part performance of contract, he handed over the possession of land on 20/3/2020 on which date he received the full consideration. As on 31st March 2020, the sale was not registered. Discuss the liability to capital gain for assessment year 2021. हाँ जी, देखो आंसर में क्या लिखा हुआ है? Transfer include giving possession of immovable property under part performance of contract. Thus, it is treated as a transfer and capital gain will be attracted. यानी कि ये सबसे पहली बात, तो part performance of contract के अंदर जो right transfer किया गया है उसको हम क्या कहते हैं कि capital gain उसके ऊपर लगेगा, transfer भी हो रहा है, capital asset भी है। Full value of consideration कितनी थी सर? 20 लाख रुपए थी। और इस चीज को खरीदा कितने में गया था सर? इसको खरीदा गया था 2 लाख रुपए में। ये देखो लिया 2 लाख, तो ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लगेगा, ठीक है, और इंडेक्सेशन लगा दिया हमने, ये हमारे पास में अमाउंट आ गया और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इतना हो गया। इंप्रूवमेंट इसमें था। माउस नीचे गिर गया। अच्छा, छोटा सा क्वेश्चन था ये। थर्ड, मिस्टर एक्स के पास में एक हाउस है जो कि उन्होंने परचेज किया था तब 1 जुलाई 2020 को 3.5 लाख रुपए में, और उन्होंने फर्स्ट फ्लोर कंस्ट्रक्ट किया था 1/10/2011 में, और इसके ऊपर उन्होंने 4 लाख रुपए खर्च किए, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने फिर सेकंड फ्लोर इसका कंस्ट्रक्ट किया 1/10/2012 को, और उन्होंने फिर 6 लाख रुपए और खर्च किए। फिर थर्ड फ्लोर की बारी आई 1/10/2014 को, और उसके ऊपर उन्होंने 7 लाख रुपए खर्च किए। फाइनली जो ये पूरी बिल्डिंग थी ना, ये 1 जनवरी 2020 को 1,20,00,000 रुपए में बेच दी गई, और इसके ऊपर सेल्स का 2% ब्रोकरेज लगा। अब हमें कैपिटल गेन करना है। नॉर्मल क्वेश्चन है ये मेरे ख्याल में। बोलिए क्या कहते हैं आप? यस सर, इजी। नॉर्मल क्वेश्चन। हाँ जी, मिस्टर वाई बॉट ए वेकेंट लैंड फॉर 80 लैक्स इन मई 2004। साल 2004 में इन्होंने एक खाली जमीन खरीद ली। रजिस्ट्रेशन और दूसरे एक्सपेंस थे 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ लैंड, यानी कि 80 लाख का 10% 8 लाख। अब ये किसने खर्च किए हैं? अगर ये मिस्टर वाई ने खर्च किए हैं तो इनकी टोटल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी हो जाएगी सर? आगे जाकर के अगर ये लैंड बेच देते हैं तो 88 लाख रुपए हो जाएगी। He constructed a residential building on said land for 1 crore. 16 लाख मतलब क्या नाम है, 1 करोड़। ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 5-6-7
he entered into a contract for sale of above said residential house property with Mr. John, not a relative. मिस्टर जॉन ने उनके साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं इसको खरीदना चाहता हूँ कब, अप्रैल 2016 में और सेल्स कंसीडरेशन फिक्स हुई सर 7 करोड़ की और 23/4/2016 को मिस्टर वाई ने रिसीव कर लिए 20 लाख एज एडवांस मनी. 7 करोड़ की डील हुई और 20 लाख रुपए एडवांस मनी ले लिया. ठीक है जी. द डीड वॉज एग्जीक्यूटेड एंड रजिस्टर्ड ऑन 14/1/2020 फॉर एग्रीड वैल्यू ऑफ ₹7,70,00,000. सॉरी इसके अंदर शायद मैं कुछ बीच में मैंने छोड़ दिया. हाँ, एक बार फिर पढ़ते हैं इस पूरी लाइन को. लिखा हुआ है द सेल वॉज एग्जीक्यूटेड एंड रजिस्टर्ड ऑन 14th January 2020. ठीक है सर. फॉर एग्रीड कंसीडरेशन हाउएवर स्टैंप ड्यूटी अथॉरिटी हैज रिवाइज्ड द वैल्यू हेंस द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी फॉर स्टैंप ड्यूटी पर्पसेस वॉज 7,70,00,000. Why paid brokerage 1%? ठीक है जी. और उसके बाद में उसने कुछ इन्वेस्टमेंट्स की. वो बात की बात है. पहले मेरे को एक बात बताओ, मेरे को आप लोगों से पूछनी है सर. ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया और क्वेश्चन के अंदर सेक्शन और रूल्स कौन से लग रहे हैं ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए. अगर आप लोगों को याद हो, एक रूल पढ़ा था हमने कि हमारे पास में अगर सेल्स कंसीडरेशन, सबसे पहली बात, अगर सेल्स कंसीडरेशन छोटी है किससे, स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन से, तो इस केस में हमारी सेल्स कंसीडरेशन जो है वो ली जाएगी स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन. ये याद है? यस सर. याद. इसके बाद एक और रूल बताया गया था इसी के अंदर. क्या बताया था सर, ये भी रिवाइज करा दो कि सर हमारे पास दो चीजें होती हैं. एक होती है डेट ऑफ एग्रीमेंट और एक होता है सर डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन. और डेट ऑफ एग्रीमेंट और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के अंदर हमारे पास में अगर दो स्टैंप वैल्यू ड्यूटी होती है, यानी कि डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन पे 7 करोड़ था और सॉरी डेट ऑफ एग्रीमेंट पे 7 करोड़ था और यहाँ पे 7,70,00,000 हो गया है, तो बोलता है अगर आपने कोई टोकन मनी यहाँ पे दी थी डेट ऑफ एग्रीमेंट पे और वो दी थी बाय वे ऑफ एनी मोड अदर देन कैश, यानी कि आपने दिया था चेक से, ड्राफ्ट से या किसी और मेथड से जिसमें कि आपकी बैंक के अंदर एंट्री दिखाई दे सके, तो आपकी स्टैंप वैल्यू, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू क्या मानी जाएगी? वही डेट ऑफ एग्रीमेंट पे थी. यानी कि आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इतना सा काम करना है कि आपको उनको टोकन मनी दे करके आनी है. रोका कर लो बस एक बार उनके साथ में किस मकान में, टोकन मनी दे करके आओ और वो भी पक्के पर्चे पे, यानी कि पक्की एंट्री पे. ऐसे नहीं है कि ब्लैक मनी उठा करके दे. तो फिर आपकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन क्या मानी जाएगी? डेट ऑफ एग्रीमेंट पे मानी जाएगी. बात समझ में आई? याद है? तो हमारे पास 7 करोड़ जो है वो सेल्स कंसीडरेशन होगी यहाँ पे. ठीक है जी. तो ये क्या है, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, रजिस्ट्रेशन एंड अदर एक्सपेंसेस एसडीबी ऑन द डेट ऑफ एक्चुअल शैल बी टेकन एज कंसीडरेशन 50 सी. एडवांस पेड इन कैश, मैंने इसको ठीक से नहीं पढ़ा दिया.
तो कोई मेथड दिया ही नहीं है उसमें कि किस तरीके से पे किया हुआ है। यहाँ पे तो लिखा हुआ है मिस्टर वाई पेड 20 लैक्स एट एडवांस। ओके चलो एक मिनट के लिए मान लेते हैं। अब सर ऐसे सिचुएशन में आप पता क्या करोगे, ऐसे सिचुएशन में आप पता क्या करोगे कि as nothing is given, as nothing is given about the mode of payment, we are assuming that the cash payment, the advance paid in cash. और अगर आप दूसरा तरीका सोचते हैं कि we are assuming that advance paid through banking through any mode other than cash, ऐसे आप लिख सकते हैं। तो अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए देखो रूल आपको याद है, ये भी पता है कि 7 करोड़ लेना है या 7 करोड़ 70 लाख लेना है, ये भी याद है। तो सर अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए आपको वर्किंग नोट डालना होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है ना 20 लाख अगर एडवांस लिखा हुआ, ये नहीं लिखा हुआ कि चेक में दिया या कैश में दिया। बात समझ में आई आप लोगों को भी? सर यस सर। ठीक है जी, तो चलो इस क्वेश्चन में हमने अज्यूम कर रखा है, हमने अज्यूम कर रखा है क्या कि कैश में उसने क्या नाम है दिया है, तो हम यहां से इसको हटा करके क्या मान लेते हैं सर, हम यहां से हटा करके इसको मान लेंगे अपना ही 7.70। तो 7.70 आ गया, ब्रोकरेज 2% माइनस कर दी, नेट कंसीडरेशन इतना आ गया। अच्छा अब इंडेक्सेशन लगाना है हमने, याद है मैंने कहा था कि इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी मानी जाएगी, 88 लाख मानी जाएगी, याद है अभी कहा था मैंने थोड़ी देर पहले। यस सर। यस सर। क्यों? क्योंकि 8 लाख तो उसकी परचेजिंग अमाउंट थी और साथ में उसने ना क्या नाम है सॉरी 80 लाख जो थी वो उसकी परचेजिंग अमाउंट थी और बाद में उसने 10% और इसके ऊपर पैसे खर्च किए। 80 लाख जो था वो तो था ही, साथ में रजिस्ट्रेशन चार्जेस वगैरह भी थे, कितने के 8 लाख के, तो टोटल कितना हो गया सर 88 लाख हो गया। 88 लाख के ऊपर हमने इंडेक्सेशन लगा दी, ऊपर लगा दिया सेल्स वाला और नीचे लगा दिया परचेज वाला। इंडेक्स वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग मतलब कि ये कितने में इसने तैयार की थी, कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह अगर किया था तो 1 करोड़ का था ना सर, मैंने देखा नहीं उसको ध्यान से पढ़ा नहीं। हाँ 1 करोड़ था सर। हाँ 1 करोड़ का, 1 करोड़ का, ठीक है 1 करोड़ हमने इसके ऊपर किया और साथ में जब इसको हमने इंप्रूव किया था वो वाला सीआईआई नीचे और सेल वाला सीआईआई ऊपर, तो हमारे पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया इतने का सर 3,01,05,280 रुपए। ठीक है सर। ओके आप रूल क्या कहते हैं आगे पढ़ो जी, क्वेश्चन हुआ आगे, क्वेश्चन में अभी कुछ लिखा हुआ कहता है उसने ना वाई ने ये इन्वेस्टमेंट की ड्यूरिंग द ईयर, क्या की, एक्वायर किया एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन दिल्ली 1,10,00,000, 1,10,00,000, ठीक है जी। अच्छा चलो कर सकता है और साथ में नेशनल हाईवे 40 ऑफ इंडिया के शेयर्स भी परचेज कर सकता। मेरी बात सुनो यहां पे मुझे तुमसे पूछना है, मेरी बात सुनो बच्चों, यहां पे अगर ये लिखा हुआ होता कि मिस्टर वाई ने 2 हाउस प्रॉपर्टी खरीदी 1-1 करोड़ की, तो क्या ये अलाउड था, बोलो। अगर फर्स्ट पॉइंट के अंदर ये बात लिखी हुई होती कि मिस्टर एक्स ने एक मकान ना खरीद करके 2 मकान खरीदे हैं, 2 मकान खरीदे हैं, तो बोलो क्या वो अलाउड होता? अगर उसके पास पहले से भी रेजिडेंशियल हाउस नहीं है वो तो अलाउड होता? ना 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 नहीं सर। मिस त्रिपाठी आप थोड़ी सी भटक गई हैं इसमें, मेरी बात सुनिए ध्यान से, मेरी बात ध्यान से सुनिए मेरे बच्चे, आप चले गए सेक्शन 54F के अंदर,
54F के अंदर, मैं बात कर रहा हूं सर सेक्शन 54 के अंदर। पहले तो ध्यान तो दोनों सेक्शंस के अंदर था क्या गुड़िया, ध्यान से सुनना। यस सर। सेक्शन 54F क्या कहता है? सेक्शन 54F कहता है आपको कैपिटल गेन हुआ हो किसी भी पदार्थ से, दुनिया की किसी भी वस्तु से, लेकिन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी से ना हुआ हो, और आपको इन्वेस्टमेंट करनी है किसमें? 54F में। ओ, इन्वेस्टमेंट करनी है किसमें? रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में। यानी कि आपको कैपिटल गेन हो सकता है गोल्ड से, डिबेंचर से, शेयर से, व्हाटएवर नेम कॉल्ड से, लेकिन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी से ना हो। हमारे क्वेश्चन के अंदर देखो रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बिल्डिंग की तो बिक्री है, बार बार लिखा हुआ रेजिडेंशियल बिल्डिंग, रेजिडेंशियल बिल्डिंग है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे सेक्शन 54F तो प्रिवेल ही नहीं करेगा। सेक्शन 54 कब प्रिवेल करेगा? सेक्शन 54 क्या बोलता है? सेक्शन 54 बोलता है कि सर आपने हाउस प्रॉपर्टी बेची हो और उससे आपने हाउस प्रॉपर्टी खरीदी हो, तब हम कहते हैं कि सेक्शन 54 अप्लाई हुआ। तो यहाँ पे है ना, इस बंदे ने हाउस प्रॉपर्टी बेच के हाउस प्रॉपर्टी खरीदी है तो सेक्शन 54 आया। मेरी बात समझ में आई बेटा? यस सर आ गई। अच्छा चलो ये तो वही एक बात। अब जो मैं क्वेश्चन पुट अप कर रहा था वो तो वही का वही है। मैं ये कहता हूँ आपसे पूछना चाहता हूँ कि मान लो इसने दो रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदी होती 1-1 करोड़ की, तो बताओ क्या ये दो प्रॉपर्टी अलाउड होती? हाँ सर, ये दो प्रॉपर्टी अलाउड होती, क्योंकि हमारा रूल ये कहता है कि अगर आपको 2 करोड़ तक का कैपिटल गेन हुआ है तो आप सिर्फ 1 हाउस प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हो, लेकिन अगर आपको 2 करोड़ से ज्यादा का कैपिटल गेन हुआ है तो आप उस केस में 2 हाउस प्रॉपर्टी भी परचेज कर सकते हो। और यहाँ पे तो माशाल्लाह हमारा जो क्या नाम है वो है कैपिटल गेन 2 करोड़ से ज्यादा का दिखाई दे रहा है। तो इसलिए मैंने, हालांकि इस क्वेश्चन के अंदर ऐसा कोई पॉइंट है नहीं, फिर भी मैंने डाल दिया आपसे पूछने के लिए कि क्या हम 2 प्रॉपर्टी परचेज कर सकते थे। हाँ सर कर सकते हो। अच्छा अगर 2 करोड़ का कैपिटल गेन होता, मान लो 2 करोड़ से अंदर का होता, यानी कि 1,90,00,000 का कैपिटल गेन होता, और वो कहता कि मैंने 50-50 की 2 खरीद ली है, अलाउड नहीं है सर, अलाउड नहीं है। 2 करोड़ का कैपिटल गेन होगा सिर्फ 1 ही प्रॉपर्टी परचेज कर सकता है, 2 करोड़ से ज्यादा का होगा तो 2 कर सकता है। ये बात समझ में आ गई? यस सर। अच्छा चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। हाँ जी, तो मेरे क्वेश्चन के अंदर उसने 2 तो की नहीं, 1 की है। हाँ सर, अब बस चेक क्या करना है भाई साहब, चेक सिर्फ इतनी सी बात करनी है कि इसने सेल कब की थी। बताओ सेल कब की थी, सेल कब की थी, कौन से ईयर में की थी, जल्दी बताना कौन से ईयर में की थी। 20 में की थी ना? Yes, sir. 19-20 में की थी, 19-20 में की थी। अब इसको वैसे तो 2 साल के अंदर अंदर करना था इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अरे वाह, देखो यहाँ पे तो 2 ही हाउस प्रॉपर्टी है, मैंने तो चेक ही नहीं किया। 1 हाउस प्रॉपर्टी ये है, 1 और हाउस प्रॉपर्टी एक और भी है, 1,90,00,000 की एक और परचेज की है उसने ना। 2 प्रॉपर्टी परचेज की है उसने। नंबर 1 एक्वायर्ड है रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन दिल्ली फॉर 1,10,00,000, और फिर उसने एक्वायर किया है एक रेजिडेंशियल हाउस एट लंडन फॉर रुपीज 1,90,00,000। ठीक है जी, ये देखो 54 है यहां पर, अमाउंट क्या है 1,10,00,000। सर अब मेरा आपसे क्वेश्चन, पहले तो आपने ये देख लिया कि यहां पे 2 हाउस प्रॉपर्टी है। यस सर।
और सर अभी आपने बताया था कि 2 करोड़ से ऊपर हुआ तो 2 परचेज कर सकता, हमारे पास तो 2 करोड़ का है, फिर इसने 2 परचेज किए लेकिन इसको सिर्फ 1 के ऊपर ही क्यों डिडक्शन एग्जम्पशन मिली है, 2 के ऊपर क्यों नहीं मिली बताओ? तो वो आउट ऑफ इंडिया लंदन में परचेज, आउट ऑफ इंडिया इसलिए, लंदन ना इंडिया में नहीं है सर, लंदन जो है ना वो इंडिया में नहीं है, इंडिया के बाहर है सर, इस वजह से। अच्छा इस चीज को और कॉम्प्लिकेटेड बनाना होता ना तो मैं इसके अंदर डेट डाल देता, मतलब हम क्या अज्यूम कर रहे हैं कि इसने विद इन टाइम पीरियड इन्वेस्टमेंट कर दी है, अब इन्वेस्टमेंट कर दी है ड्यू डेट से पहले, क्योंकि देखो यहाँ पे कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ, और इसका मतलब हम क्या मान रहे हैं कि इस व्यक्ति ने दोनों हाउस प्रॉपर्टीज के अंदर चाहे इसकी एग्जम्पशन सिर्फ एक ही मिल रही हो लेकिन दोनों हाउस प्रॉपर्टी के अंदर विद इन टाइम पीरियड इसने इन्वेस्टमेंट कर दिया है, यानी कि ड्यू डेट से पहले पहले, ठीक है। अच्छा चलो ये तो हो गया 54, ये सेक्शन 54 हो गया। अब इसने बोला कि ना इसने सब्सक्राइब कर लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के शेयर्स कितने, 45 लाख, कब, 29/3/2020 को, कितना टाइम पीरियड था इसका इन्वेस्टमेंट करने का, सेक्शन 54 ईसी के अंदर, ये क्या था, ये था सर सेक्शन 54 ईसी, सेक्शन 54 ईसी क्या बोलता है याद करो याद करो याद करो सर, सेक्शन 54 ईसी बोलता है आपको कैपिटल गेन हुआ हो किसी भी एसेट से और उसको आपने 6 महीने के अंदर अंदर इन्वेस्ट कर दिया हो, किसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं आपको सर, शेयर्स ऑफ एनएचएआई या फिर शेयर्स ऑफ आरईसीएल, और मैक्सिमम लिमिट कितनी है सर, 50 लाख, 50 लाख से ज्यादा तो होंगे अलाउड नहीं है सर, 50 लाख से ज्यादा की एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, और करना कितने टाइम में, 6 महीने के अंदर, हाँ जी 19-20 में इसने किया था, कब, 14 जनवरी 2020 को इसने सेल किया था अपनी बिल्डिंग को, और इसने 45 लाख के शेयर पर खरीद लिए 29/3/2020 में, यानी कि विद इन 6 मंथ्स है, यस सर, और साथ में इसने 50 लाख के 12/5/2020 को भी खरीद लिए, किसके शेयर्स, उसी कंपनी के शेयर्स, यानी कि इसमें टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी कर ली, 95 लाख की, तो हम तो इसको एग्जम्पशन कितने की देंगे, बोलो बोलो बोलो, 50 लाख, 50 लाख की देंगे सर, 50 लाख की देंगे, हालांकि वो भी उसने 6 महीने के अंदर अंदर ही परचेज कर लिए थे, लेकिन मैक्सिमम लिमिट तो 50 लाख की है, ये देखो 50 लाख, तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया, ठीक है जी, यस सर, नीचे सारे के सारे नोट्स भी दिए हुए। '93 में पैदा हुए थे तुम, हुए थे? नो सर, 93 का क्वेश्चन। देखो एक बार मैं ओवरव्यू देना चाहता हूँ, 2014 का क्वेश्चन है, 2016 का क्वेश्चन है, 2017 का क्वेश्चन है, 2006 का क्वेश्चन है, 2018 का क्वेश्चन है, May 2018 का क्वेश्चन है, November 2012 और November 2016 का क्वेश्चन, हाँ जी ये फाइल सबके पास में है, यस सर, होपफुली सबके पास में है, ये पीडीएफ फॉर्म नहीं है मेरे पास में, ठीक है, फिजिकल फॉर्म में शायद आप लोगों के पास में ना हो, ठीक, अच्छा जी,
मैं सर आज की क्लास को यही कंक्लूड करना चाहता हूँ, ठीक है? और आप लोग अपना, आप लोगों से नेक्स्ट क्लास के अंदर ये क्वेश्चन मैं भी करूंगा और आपसे भी करवाऊंगा, आप लोग एक बार इसको कीजिएगा घर पे, ठीक है? ओके सर, ओके सर, ओके बेटा, बाय। किसी को पूछना तो नहीं है? नो सर। सर सैलरी क्वेश्चन के डाउट थे। सैलरी पे डाउट है? हाँ जी सर, मैं काफी सारे नेक्स्ट क्लास में आके होंगे, आप जूम पे ले लोगे? ओके सर। कौन हो बेटा? सर उत्सव बोल रहा हूँ। उत्सव बोल रहा है, अच्छा ठीक है। उत्सव यहाँ पे आया, सेंटर पे आप बात करेंगे, बैठ करके आराम से सॉल्व करेंगे। ओके थैंक यू सर। ठीक है बेटा।